नमस्ते बच्चों, आज की इस तासिका में आप सबका बहुत बहुत स्वागत। बच्चों, आज की इस तासिका में हम आपके पाठ्य पुस्तक में जो 13वां पाठ है राष्ट्रीय त्यौहार, इसके बारे में जानकारी हासिल करेंगे। तो बच्चों, पहले तो हम देखते हैं कि ये राष्ट्रीय त्यौहार क्या है। बच्चों, भारत में ब्रिटिश शासन समाप्त होने के बाद हमारे यहाँ दो विशेष त्योहारों का आयोजन होता है। एक है स्वतंत्रता दिवस और दूसरा है गणतंत्र दिवस। इन्हें हम राष्ट्रीय त्यौहार के रूप में मनाते हैं। 15 अगस्त का त्यौहार देश को स्वतंत्रता मिलने की खुशी में मनाया जाता है, जबकि 26 जनवरी देश में जो गणतंत्र की स्थापना हुई थी उसकी याद में मनाया जाता है। बच्चों, ये जो पाठ आपको दिया गया है ना, इस पाठ में कुछ बच्चे हैं जो अपनी कक्षा में बैठे हैं और वह एक दूसरे से चर्चा कर रहे हैं। और किस विषय पर चर्चा कर रहे हैं, तो राष्ट्रीय त्यौहार, इस विषय पर वह चर्चा कर रहे हैं। उनमें से एक लड़का है ज्ञान, वह कहता है स्वतंत्रता दिवस एवं गणतंत्र दिवस हमारे राष्ट्रीय त्यौहार है। वो कहता है कि ये त्यौहार जो बाकी के जो त्यौहार होते हैं ना बच्चों हमारे, वह हम जैसे कि हिंदुओं के कुछ अलग त्यौहार होते हैं, जो मुस्लिम हमारे भाई बंधु हैं उनके कुछ अलग त्यौहार होते हैं, जो क्रिश्चियन है उनके कुछ अलग त्यौहार होते हैं, लेकिन ये जो स्वतंत्रता दिवस के या फिर जो राष्ट्रीय त्यौहार है वह किसी भी एक धर्म के लोग नहीं मनाते, तो सारे देशवासी एक साथ इस त्यौहार को मनाते हैं और इसीलिए हम इसे राष्ट्रीय त्यौहार कहते हैं। अब इसमें इन बच्चों में एक लड़की है आकांक्षा, वह कहती है कि अमर सपूतों के अथक प्रयासों से 15 अगस्त 1947 को हमारा देश स्वतंत्र हुआ। बच्चों, अमर सपूत मतलब बहुत सारे अमर जो हमें जो कभी मर नहीं सकते, हम उन्हें कभी भुला नहीं सकते, ऐसे कुछ सपूत थे कि जिनके अथक प्रयासों से, अथक मतलब बिना थके और प्रयास मतलब प्रयत्नों से क्या हुआ, 15 अगस्त 1947 को हमारा देश स्वतंत्र हुआ। और ये जो 15 अगस्त है ना बच्चों, ये हमारी स्वतंत्रता की वर्षगांठ है। इस दिन के कार्यक्रम देशवासियों में राष्ट्रीयता का रंग भर देते हैं। यह दिन देश के लोगों को राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्यों को याद दिलाता है। प्रतिवर्ष हर साल उत्साहपूर्वक बहुत खुशी खुशी स्वतंत्रता दिवस मनाने से राष्ट्र की एकता और अखंडता में नई शक्ति मिलती है कि हमें उस दिन याद आता है कि, और देखो ना बच्चों, आपको भी याद होता होगा ना कि जब ये इस दिन झंडा फहराया जाता है, हम राष्ट्रगीत गाते हैं, तो हमारे शरीर में अलग सी एक चुस्ती आ जाती है, अपने अंदर ये जो देशभक्ति का जो भावना है वह एकदम जागृत हो जाती है और इसीलिए ये दिन हम मनाते हैं। बच्चों, ये आप देख सकते हो ना, यहाँ पर कुछ तस्वीरें हैं, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, हमारी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, तो ऐसे बहुत से, ये तो हैं जिनके नाम हमें पता है, लेकिन इनसे भी बहुत से अलग बहुत से सपूत हो गए हैं कि जिनके तो नाम भी हमें पता नहीं होंगे कि जिन्होंने अपनी जान की बाजी लगा दी थी हमारे देश को स्वतंत्र करने के लिए। त्र्यंबक कहता है यह दिन स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। कौन सा दिन, तो 15 अगस्त यह दिन स्वतंत्रता दिन के रूप में मनाया जाता है। ज्ञान, आज़ादी मिलने के बाद बड़ी लगन से देश का संविधान बनाया गया था तथा 26 जनवरी 1950 को इसे देश में लागू किया गया। अब क्या हुआ, जब आज़ादी मिली तो अब इस देश को कैसे चलाएंगे, तो इसलिए हमने क्या किया, देश का संविधान बनाया गया था और 26 जनवरी 1950 को इसे देश में लागू किया गया और इसीलिए इस दिन को हम गणतंत्र दिवस, गणतंत्र मतलब प्रजातंत्र, गण मतलब प्रजा और तंत्र मतलब
की शासन जो होता है कि देश, अब ये देश कौन चलाएगा, प्रजा चलाएगी, तो इसीलिए यह दिवस गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 26 जनवरी 1950 को ये जो संविधान है वह लागू किया गया, इसीलिए हम इस दिन को गणतंत्र दिवस मनाते हैं। आकांक्षा, इसीलिए 26 जनवरी का दिन गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। यहाँ पर देखो बच्चे एक दूसरे को समझाते हैं कि 26 जनवरी हम क्यों मनाते हैं, 15 अगस्त हम क्यों मनाते हैं, क्योंकि बच्चों इन सब चीज़ों की जानकारी हमें हमेशा होनी चाहिए कि हम ये सब दिन क्यों मनाते हैं। 26 जनवरी और 15 अगस्त के दिन और क्या क्या होता है, तो क्षितिज पूछता है कि 26 जनवरी और 15 अगस्त के दिन मतलब किस तरह से ये दिन हम मनाते हैं। तो ज्ञान जो लड़का है ना वो बताता है कि किस तरह से इस दिन को हम मनाते हैं। तो राष्ट्रीय त्योहारों वाले दिन राष्ट्र ध्वज फहराते हैं, राष्ट्रगीत गाते हैं, राज्य, जिला, शहर, गांव तथा विद्यालयों में इन त्योहारों को धूमधाम से मनाते हैं। तो जो जब ये दिन होते हैं ना राष्ट्रीय त्यौहार, जैसे कि स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस, तो इन दिनों में राष्ट्रध्वज को फहराते हैं। हमारा राष्ट्रध्वज क्या है, क्या नाम है उसका, तिरंगा, उसे हम फहराते हैं। राष्ट्रगीत गाते हैं, राष्ट्रगीत कौन सा है हमारा, हाँ जन गण मन, ये हम गाते हैं। बच्चों आपको पता है ये जो राष्ट्रगीत है वो किसने लिखा है, वो लिखा है रविंद्रनाथ टैगोर जी ने, और इस दिन हम उसे गाते हैं। और कहाँ कहाँ पर ये मनाया जाता है, ये राष्ट्रीय त्यौहार मनाए जाते हैं, तो राज्य, जिला, जिला मतलब डिस्ट्रिक्ट, शहर, गांव तथा विद्यालयों में क्या किया जाता है, इस दिन अलग अलग प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम किए जाते हैं, अलग अलग प्रकार की प्रतियोगिताएं की जाती है, और बहुत ही धूमधाम से इसे मनाया जाता है। प्रभात फेरियां निकालते हैं, जगह जगह सजावट और रोशनी की जाती है। प्रभात फेरियां निकालते हैं मतलब सुबह सुबह ये जो प्रभात फेरी निकाली जाती है जिसमें अलग अलग प्रकार की घोषणाएं की जाती हैं और एक साथ लोग इस दिन को मनाते हैं, और जगह जगह पर अलग अलग प्रकार से सजावट की जाती है, जो पताका होता है ना वो लगाए जाते हैं, फूलों से सजाते हैं, रोशनी की जाती है, और इस तरह से अलग अलग प्रकार की झांकियां भी बनाई जाती हैं। तो इस प्रकार से ये त्यौहार मनाया जाता है। क्षितिज, यह आज़ादी बड़े संघर्षों के बाद मिली है, हमें इसकी रक्षा करनी चाहिए। तो क्षितिज बताता है कि ये जो आज़ादी हमें मिली है यह आसानी से नहीं मिली है, बहुत ही संघर्ष करने के बाद हमें यह मिली है, और इसलिए हमें क्या करना है, तो इसकी रक्षा करनी है। हमें तो बहुत ही आसानी से वो मिल गई, हमें कुछ नहीं करना पड़ा उसके लिए, लेकिन जो देश के स्वतंत्रता सेनानी थे, बहुत सारे अमर जवान थे जिन्होंने अपनी जान की बाजी लगा दी थी इस स्वतंत्रता को पाने के लिए, तो हमें क्या करना है, इसकी रक्षा करनी है। त्र्यंबक, हाँ हमें स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान को याद रखना होगा, अपने तिरंगे का सम्मान करना हमारा क्या है, कर्तव्य है। तो हमें हमेशा याद रखना है कि इन सेनानियों के वजह से, स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान की वजह से ही हमें ये स्वतंत्रता मिली है, तो उन्हें हमें हमेशा याद रखना है, और जो अपना तिरंगा है ना उसका भी सम्मान करना है। तो अपना ये जो तिरंगा है इसमें कितने रंग होते हैं बच्चों, 3 रंग होते हैं। पहला होता है केसरी रंग, और ये जो केसरी रंग है ये हमें किस चीज़ का प्रतीक होता है, तो साहस और बलिदान का प्रतीक होता है। उसके बाद होता है सफ़ेद रंग, ये सफ़ेद रंग किसका प्रतीक है, तो शांति और सत्य का प्रतीक है। और उसके बाद है हरा रंग, और ये हरा रंग किस चीज़ का प्रतीक होता है, तो हरियाली और समृद्धि का ये प्रतीक होता है। और इसीलिए हमें क्या करना है, तो हमारा ये जो राष्ट्र ध्वज है
उसका सम्मान करना है। आकांक्षा, राष्ट्रीय त्योहारों पर झंडा वंदन के लिए सभी का समय पर उपस्थित होना आवश्यक है। तो बच्चों, जब हम ये झंडा वंदन करते हैं, आपको सुबह सुबह स्कूल में बुलाया जाता है कि आपको 6:30 बजे आना है, 7 बजे आना है। और क्या होता है बच्चों, इस दिन तो छुट्टी होती है, तो सबको लगता है कि क्यों एक दिन छुट्टी है और सुबह सुबह स्कूल जाना है। लेकिन हमें ऐसा नहीं सोचना है, क्योंकि हमें क्या करना है, इस दिन को बहुत ही अच्छी तरह से मनाना होता है। तो इसलिए सुबह सुबह हमें जाना है स्कूल में। और क्या होता है बच्चों, ये जो झंडा फहराया जाता है उसके लिए भी एक निश्चित समय होता है, हम किसी भी समय उसे नहीं फहरा सकते। तो इसलिए जो समय आपको दिया होता है उसी समय पर आपको उपस्थित होना बहुत ही आवश्यक है। राष्ट्रगीत के समय सदैव सावधान की मुद्रा में खड़े रहें। राष्ट्रीय त्यौहार हमें पूरी निष्ठा के साथ आनंदपूर्वक मनाने चाहिए। तो जब भी क्या होता है, ये राष्ट्रगीत होता है ना हमारा, जो है कि जनगण मन, उस समय हमें क्या करना होता है, सावधान की मुद्रा में खड़े रहना होता है। मुद्रा मतलब अवस्था, सावधान पोजीशन, हमें खड़े कैसे रहना होता है, सावधान की पोजीशन में, बिना हिले डुले हमें खड़े रहना होता है जब हम ये राष्ट्रगीत गाते हैं। और राष्ट्रीय त्यौहार हमें पूरी निष्ठा के साथ आनंद पूर्वक मनाने चाहिए। और क्या करना है कि हमें उस दिन ये नहीं सोचना है कि अरे हमारी एक छुट्टी चली गई, तो उस दिन हमें ये सोचना है कि ये त्यौहार हमें बहुत ही आदरपूर्वक मनाना है। तो बच्चों, अब तक हमने देखा कि हमारे देश की आज़ादी अनेक वीरों के बड़े संघर्ष और बलिदान से मिली है, हमें इसकी रक्षा करनी चाहिए। आज़ादी के उपलक्ष्य में मनाए जाने वाले राष्ट्रीय त्यौहार को भी हमें अच्छी तरह से मनाना है, क्योंकि ये राष्ट्रीय त्यौहार हमारी शान है, हमें इन त्यौहारों को आदर के साथ मनाना चाहिए। और हमारे जो सपूत हैं इनको भी हमें बहुत ही आदर देना होता है। तो बच्चों, चलो ये पाठ यहाँ पर हमारा ख़त्म होता है। उसके बाद हम देखते हैं ये शब्दार्थ। तो बच्चों, पहला जो आपको शब्दार्थ दिया है वो है स्वतंत्रता। स्वतंत्रता मतलब आज़ादी। गणतंत्र, गणतंत्र मतलब प्रजातंत्र। अमर, अमर इस शब्द का अर्थ है अमीट, अविनाशी। अथक, अथक मतलब बिना थके। प्रयास, प्रयास इस शब्द का अर्थ है प्रयत्न। संविधान, संविधान मतलब शासन व्यवस्था। मुद्रा, मुद्रा का अर्थ है अवस्था। बलिदान, बलिदान इस शब्द का अर्थ है त्याग। सम्मान, सम्मान का अर्थ है आदर। राष्ट्रीय इस शब्द का अर्थ है राष्ट्र का। चर्चा मतलब बातचीत। अब देखो बच्चों, आपको यहाँ पर जोड़ियाँ मिला कर दी गई हैं। तो हम आपको कुछ चीज़ें दी गई हैं, जैसे कि स्वतंत्रता दिवस, 26 जनवरी, तो उसके जो दिन दिए हैं और उसके साथ आपको उसका जो दिनांक होता है उसको मैच करना है। अगर आपको दिनांक दिया है तो उसके साथ उसका दिवस आपको मैच करना है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, पहला है स्वतंत्रता दिवस। अब स्वतंत्रता दिवस अब कब मनाते हैं, तो 15 अगस्त को। और 26 जनवरी, 26 जनवरी को हमने क्या नाम दिया हुआ है, उस दिन को क्या कहते हैं, तो कहते हैं गणतंत्र दिवस। उसके बाद राष्ट्रगीत के समय, जैसे कि मैंने आपको बताया कि राष्ट्रगीत के समय हमें सदैव सावधान की मुद्रा में खड़े रहना चाहिए, और झंडा वंदन के लिए हमेशा हमें समय पर उपस्थित होना आवश्यक है। तो बच्चों, यहाँ पर हमने आज ये पाठ देखा, और हमने देखा कि किस तरह से हम साल भर अलग अलग प्रकार के त्यौहार मनाते हैं, है ना, जैसे कि दिवाली है, होली है, क्रिसमस है, ईद है, बहुत सारे त्यौहार मनाते हैं। लेकिन ये दो त्यौहार हैं जो बहुत ही विशेष रूप से हमें मनाने चाहिए, जिनका बहुत ही विशेष महत्व है। तो बच्चों, ये पाठ हमने देखा, इस पर आधारित कुछ शब्दार्थ मैंने आपको दिए हैं, वो आप आपके नोटबुक में लिखोगे और ये पाठ बहुत ही अच्छी तरह से आप फिर से पढ़ोगे।
ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं अपनी अगली तासिका में। धन्यवाद।